हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने पैन से एक ब्यूटीफुल सा टॉप क्रिएट कर सकते हैं। ये टॉप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम हमारी पैंट को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम हमारी कोई भी कुर्ती या टी शर्ट को जिस तरीके से फोल्ड करते हुए पैंट के फोल्डेड एरिया पे प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच छोड़ के हम मार्किंग्स करेंगे। हम लेंथ की यहाँ पर चिंता नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे फ्रिल्स ऐड करना है। सो कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग्स कर लिया है। अब जो आर्म एरिया है वहाँ पर हम पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कर्व लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पर नेक भी मार्क कर लेंगे। तो नेक मार्क करने के लिए यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस ईच साइड ले रही हूँ। आपको जितना बड़ा नेक चाहिए आप उतना ले सकते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पे भी मैं इसे कर्व लाइन में ज्वाइन कर लूँगी एंड इन सारी मार्किंग्स को मैं अब कट कर लूँगी। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इन मार्किंग्स को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो अब हमें इसे कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा कि दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। सो कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट्स को प्लेस कर लिया है। अब हम हमारा शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे एंड जो हमारा नेक एरिया है वहाँ पे हाफ इंच फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं हमने नेक एरिया हेम कर लिया है, हमने शोल्डर भी अटैच कर लिया है एंड आर्म एरिया में भी हमने हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। अब इसे कुछ इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। हमें इसे रॉन्ग साइड प्लेस करना होगा एंड साइड की फिटिंग्स हम सिल देंगे। सो कुछ इस तरीके से गाइज आप देख सकते हैं मैंने साइड की फिटिंग्स भी सिल दिया है। अब बॉटम की तरफ लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रास्ट कलर की लेस अटैच कर सकते हैं जैसे कि येलो या वाइट, पर यहाँ पर मैं सेम फैब्रिक के फ्रिल्स अटैच करूँगी। सो बचा हुआ फैब्रिक का हम फ्रिल्स अटैच करेंगे इसके नीचे। उसके लिए सबसे पहले हम इसे स्क्वायर पीस में कट कर लेंगे। देन यहाँ पे मैं रैंडमली इसका एक रेक्टेंगल पीस काट रही हूँ। जितना बड़ा होगा फैब्रिक उतना अच्छी बात है, तो आपके उतने फ्रिल्स ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दो पार्ट्स को कट कर लिया। अब इसे मिडिल में से भी कट करके मैं ज्वाइन कर लूँगी साइड में। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने साइड में ज्वाइन कर लिया है एंड इतना बड़ा फैब्रिक हमें रिसीव हुआ है। इसे हम सिर्फ फ्रंट एरिया पर पहले फ्रिल्स ऐड करेंगे। ये पूरा फैब्रिक हमारे फ्रंट एरिया पे जाएगा। देन अगेन सेम ऐसे ही फैब्रिक हम हमारे बैक एरिया पे भी करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमें फ्रिल्स अटैच करना होगा। सबसे पहले मैं पिन से कर रही हूँ सो दैट हमारे सिलने में आसानी हो। सो कुछ इस तरीके से मैं फ्रिल्स को ऐड कर रही हूँ एंड देन इसे मैं स्विंग मशीन की हेल्प से सिल दूँ। अगर आपको फ्रिल्स अटैच करने में थोड़ी सी परेशानी हो तो आप नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने फ्रिल्स क्रिएट कर लिया है। अब इस स्विंग मशीन की हेल्प से मैं इसे अच्छे से सिल दूंगी। सो यहाँ जब दोनों साइड की फ्रिल्स अटैच हो जाएगी तो दोनों एंड पॉइंट से उसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टड्स का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पैचेस का यूज़ कर सकते हैं या आप बॉटम पे लेस भी अटैच कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैं अपने टॉप को डिज़ाइन करूँगी। सो इन स्टड्स को मैं ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लूँगी एंड ये मेरा टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। सो कुछ इस तरीके से आप ये टॉप को जीन्स पे कैरी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एक डेनिम जैकेट भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज, आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो को रिलेटेड आप कॉमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।